सर आज का कार्यक्रम जो रखा गया है किस उद्देश्य से रखा गया है और इसका संदेश क्या देना चाहते हैं? हम एक कार्यक्रम सरकार को और सभी अपने भारत के जो भी जिम्मेदार हैं अधिकृत है उसको ये संदेश देने के लिए रखा गया है कि हमारी समाज वो आदिम जाति की समाज है और 1871 के तहत अंग्रेजों ने क्रिमिनल एक्ट लगाया था, उसके अत्याचारों से हमारे लोग छुप कर निकल गए थे, भटक गए थे, क्योंकि उस पर बहुत अत्याचार, अन्याय, काला पानी, सजा, नज़र कैद और बहुत हत्याएं हो रही थी। इसलिए हमारा अस्तित्व रखने के लिए, वो अस्तित्व हमारा मिट न जाए, इसके लिए हमारे लोग हिजरत कर गए थे छुप कर और पूरे भारत में बिखर गए थे। और ये 70 जाति के हमारे अभी बन गए, जो पहले एक ही जाति के, आदिम जाति के हम लोग थे। पाषाण युग से हम जल, जमीन, जंगल के मालिक थे, लेकिन अंग्रेजों की वजह से हम बिखर गए और पूरे भारत में हम छुपकर रहने लगे। और देश आज़ाद हुआ तब 1947 में देश आज़ाद हुआ, सबको स्वतंत्रता मिली, लेकिन हमारे पर अंग्रेजों का कानून के वजह से स्वतंत्रता नहीं मिली थी। 31 अगस्त 1952 में हमारे ये आदिम जाति को मुक्त किया था जो तत्कालीन सरकार जो बनी थी वो टाइम की। तभी हम अभी तक वो सरकार ने भी हमको जन्मजात अपराधित का ठप्पा तो पूरा नहीं मिटाया, लेकिन उसने हमको ये नाम दे दिया कि ये भटकती घुमंतु अर्धघुमंतु जाति हैं। तो हम तो घुमंतु जाति नहीं थे, अंग्रेजों की वजह से हम भटक गए। तो अपनी सरकार आई तो भी हमको आदिम जाति का जल, जमीन, जंगल का अधिकार नहीं मिला और हमको NTDNT घुमंतु अर्धघुमंतु जाहिर कर दिया। और जो हमें जंगल वाले और मूल आदिम जाति के आदिवासी को जो अधिकार मिलना चाहिए वो हमारी जाति को नहीं मिला। इसलिए 70 साल के बाद भी जब हमको मालूम पड़ा तो हमारे सभी भारत की जो एक आदिम जाति थी उसमें से अभी 70 से अधिक जातियाँ बन गई। ये सभी आज हम ये भारत से 13 करोड़ लोगों के वरिष्ठ अग्रणियों यहाँ पधारे हैं और सरकार को ये हम कहना चाहते हैं कि हम एक ही जाति के हैं तो हमें पूरे भारत में अलग अलग कैटेगरी कक्षा दी है, तो हमें एक ही कैटेगरी ST देना चाहिए, क्योंकि हम मूल आदिम जाति के आदिम लोग हैं और हमको आदिम जाति दर्जा देना चाहिए। ये हमारा मैसेज है और ये आरक्षण में हमको जो भटकता बन गया इसलिए सभी को आरक्षण मिले, वो स्थापित थे उसको संरक्षण मिला और उसको अधिकार भी मिला, लेकिन हमारी भटकती जाति को अभी तक अधिकार नहीं मिला। इसलिए हम फिर से जाहिर करते हैं कि हम आदिम जाति के लोग एक ही जाति के, 70 जाति के नहीं है, वो हमारा उपजाति नाम बन गया लेकिन आदिम जाति के हैं। तो सरकार ये ध्यान में ले कि यही सब एक जाति है तो उसको एक ही कैटेगरी में आदिम जाति के लोगों को ST में अनामत देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। हम स्वतंत्र सेनानी थे, हम कोई आपराधिक कौम नहीं थे, तो हमको स्वतंत्र सेनानी घोषित कीजिए। ये हमारा मूल संदेश है। और जो जो जातियों को ये 70 जातियों के कहीं SC में, ST में, OBC में, NTDNT में रखा है, कहीं किसी को कहीं भी नहीं रखा, तो ये 80 जाति का हमने ये ठहराव बना के आज पारित करते हैं और सरकार को हम 80 जाति के लोग एक ठहराव जाहिर करते हैं और एक ही जाति के हैं, एक ही आरक्षण, एक ही कैटेगरी मिलनी चाहिए, ये हमारा संदेश है। और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट भी वो नाबूद करें और हमको स्वतंत्र सेनानी घोषित करें, ये हमारा मुख्य संदेश है।